चल रहा है 2022 और 2022 में मैं एक बार फिर से आपको लेके चलूंगा बल्लभगढ़ के मेले में, क्योंकि 2021 में वो लगा था तो मैंने एक वीडियो डाली थी जो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से अभी भी टॉप पे है। जब आप बल्लभगढ़ का मेला डालेंगे उसमें यूट्यूब पर तो बिल्कुल टॉप पे आएगा और सबसे ज्यादा व्यूज है उस पर। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो 2022 में भी ऐसे ही बना रहे, और इस मेले में क्या कुछ नया एड ऑन हुआ है, क्या चीजें कम है या ज्यादा हुई है, तो हम चलेंगे अंदर और चल के देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हमें नया कुछ देखने को मिलता है और करते हैं एंजॉय आपके साथ। तो चलिए अब चलते हैं मेले के अंदर। दोस्तों ये है इसका एंट्री गेट, और ये जो बाहर मेले के कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जो आपने हमेशा देखी होंगी, खाने पीने की, खिलौने की, ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, और ये एंट्री गेट पे ही ज़्यादा होती हैं, अंदर भी होती हैं, बट वहाँ से हमें थोड़ी वैरायटी पता लग जाती है कि अंदर क्या क्या होगा। और ये खाने पीने का, जैसे पिछली बार भी यहीं था सेम प्लेस, और ये वाला स्टॉल कुछ नया लग रहा है। ये कुछ घड़ियाँ हैं इन पर, और ये 150 की हैं, और यहाँ पर 200 वाली भी हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, और कुछ कैप भी थी इनके पास, काफ़ी कलरफुल थी, अच्छी थी। और ये है वही मौत का कुआं जो पिछली बार मैंने दिखाया था, सेम प्लेस पे ही लगा हुआ है। और ये आइसक्रीम शॉप थी, और ये खाने पीने के चाउमीन बर्गर वगैरह ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों बच्चों के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर बात करें खिलौनों की तो 50 रुपये 60 रुपये में आप यहाँ कोई भी जो आपको सामने दिख रहे हैं कोई सा भी खिलौना ये आप ले सकते हैं। दोस्तों जो साउंड आपने अभी सुनी ये अगर मेले में ना हो तो मेरी जैसी फील नहीं आती, मुझे तो नहीं आती। अगर आपको आती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो खाने पीने के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, छोले भटूरे 30 रुपये की प्लेट, ये आपको अक्सर मेलों में ही मिलेगी, और अभी तैयारी शुरू हो गई है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, दिल्ली चाट कैटर्स भी है, और ये आपको जूते चप्पल ये सैंडल्स वगैरह मिल जाएंगी, 150 रुपये में सेल लगी हुई है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है मैंने देखी है। तो आप जाएं तो वहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करें, और बच्चों के लिए तो भरमार है। तमाम माताएं बहने देख रही हैं, तमाम भाई देख रहे हैं, आपके जय देख रहे हैं। इंडिया टूर करने वाला भारत का सबसे बड़ा डबल मंजिल। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अगर आप बात करें शॉपिंग की तो आप 50 रुपये 30 रुपये 20 रुपये, और मतलब अगर आप 500 रुपये खर्च करते हैं तो काफ़ी सारी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और झूले भी हम आगे अभी देखेंगे कि कितने नए आए हैं कितने पुराने हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें देखने को। और जो स्टॉल आप सामने देख रहे हैं ऐसे कई सारे स्टॉल आपको वहाँ मिलेंगे, जो मतलब कहते हैं ना हर आइटम 10 रुपये वाली बात जो होती है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। और ये लेडीज़ के लिए आप चूड़ियाँ बैंगल्स कड़े आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं अवेलेबल वहाँ पर, वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, और रिंग भी आपको मिलेंगी, ब्रेसलेट भी मिलेंगे, हाथों के बैंड भी मिलेंगे, और ये पर्स 150, 250, 200 की रेंज में आपको वहाँ मिल जाएंगे। और कुछ आपके एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे कुछ गेम्स भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी किचन की और खूबसूरती को बढ़ाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो ये कप कॉफ़ी के लिए चाय के लिए आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं दो चिड़िया जो बैठी हुई हैं, ये जो डिज़ाइन किया हुआ बड़ा खूबसूरत सा है, ये 100 रुपये के दो आपको मिलेंगे, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं ये लगे हुए, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, आपकी एनर्जी का ध्यान रखने के लिए बीच में आपको ये जूस वाले स्टॉल भी मिलेंगे जहाँ से आप ये लस्सी और जूस पी सकते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका टिकट नहीं लगेगा। माताएं बहनों को दिखाए समस्त पूरी फैमिली पूरे परिवार के साथ देखे।
दोस्तों अगर हम झूलों की बात करें तो बच्चों के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर बच्चा इतना छोटा है कि वो ठीक से बैठ सकता है बिना किसी सपोर्ट के, तो बहुत सारी झूला हैं उनके लिए, आप सामने देख सकते हैं, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। और बड़ों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे निशाना लगाना और ये वाली झूला आप जो देख रहे हैं, इस पर बच्चे तो अलाउड नहीं हैं, बाकी बड़े लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। दोस्तों जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ये सामने आप देख सकते हैं, मुझे एक बाई फेस किसी ने पहचाना और उन्होंने मुझे रोका, मुझसे बातचीत की और मैंने भी उनसे बातचीत की, लेकिन वहाँ थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम थी तो इसलिए वीडियो की आवाज़ इसमें नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वो कहते कि मैं हर साल यहाँ आता हूँ, ओल्ड फरीदाबाद से वो आए थे और काफ़ी अच्छा मेला है तो मैं कभी उसे छोड़ता नहीं हूँ, तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई और काफ़ी खुश हुए मिल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसा भी यह अरेंजमेंट है, ये आप भूत बंगला देख सकते हैं। अगर आपको डरावनी चीज़ें मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है तो आप यहाँ इसका भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों ये एक चीज़ मुझे नज़र आई है जो नई है इस बार, क्योंकि पिछली बार 2021 में मेरा लगा था तो ये चीज़ नई थी। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं बच्चे चला रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, ये अब की बार ही लगी है। और ये वाली झूला जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये भी नई है, क्योंकि पिछली बार ये भी नहीं था। और ये जो आप आसमानी झूला जो देख रहे हैं ये भी पहली बार सिंगल था, अब की बार यहाँ पर डबल है, अभी मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये बच्चों के लिए कुछ और ऑप्शंस, और बीच में अगर आपको कुछ ठंडा मक खाने का मन करे तो ये आपको फलूदा आइसक्रीम वगैरह भी मिलेगी, यहाँ से आप वो भी खा सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन तो सभी के लिए खुला है, बच्चे भी और बड़े भी दोनों एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो पूरी फैमिली इसमें बैठ के एंजॉय कर सकती है। और ये वाली झूला जो आप सामने देख रहे हैं ये भी इस बार नहीं है, क्योंकि 2021 में जब मेला लगा था तो ये भी नहीं थी, तो अब की बार ही लगी है। दूसरी साइड से कवर करने की कोशिश करेंगे, अभी और देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों अगर कहीं भी मेला लगा हो तो ये दो झूले आपको वहाँ पर दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि मेले की एक तरह से जान होती है और काफ़ी लोग इसमें एंजॉय करते हैं। बच्चे इसमें अलाउड नहीं है, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक ये जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। दोस्तों ये मैजिक शो भी आप यहाँ देख सकते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो हर तरह का, मतलब जहाँ वैरायटी चाहते हैं तो वो आपको ऐसे मेले में ही मिलेगी, चाहे वो बैलून फोड़ने हो या मैजिक शो देखना हो, चाहे वो डांस क्यों ना देखना हो। अब ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो भीड़ है ये पूरी मतलब डांस को देखने के लिए है, लेकिन टिकट के लिए नहीं, ये फ्री में देखने वाले हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए पर्दा खोलते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर पर्दा बंद कर देते हैं। ये एक मार्केटिंग थोड़ा स्टंट जो हम बोल सकते हैं इसको, ये देखिए लोग बाहर से ही वीडियो बनाते हैं देखते हैं, और इनमें से दो चार लोग शायद जाते होंगे अंदर और ये टिकट लेके बाहर बैठे रहते हैं। और ऐसे ही ये दूसरा एक काउंटर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं टिकट के लिए, ये एक चित्रहार दिखाते हैं 5 गानों का, इसमें भी डांस वगैरह होता है, बच्चे इंजॉय करते हुए देख सकते हैं आप सामने। और हम चारों तरफ का व्यू देख लेते हैं, तो अगर घूमते घूमते अगर आप थक जाएं तो खाने पीने के लिए आप चिंता ना करें, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये जो जूस काउंटर है ये बरेली का है, और ये देखिए ये आपसे हेलो भी कर रहे हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं स्टॉल लगाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कोई मेला हो और उसमें ये टिक्की और गोलगप्पे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेले की एक तरह से जान होती है और गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद होते हैं। तो गोलगप्पे आप सामने देख सकते हैं, गोलगप्पे टिक्की दही बल्ले या आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर।
दोस्तों जैसा कि अभी बताया था आपको कि ये वाली झूला डबल हो गई है, आप सामने देख सकते हैं, और ये कुछ निशाना लगाते हुए लोग, और हाँ ये भी शायद नई है, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ये शायद पहले नहीं थी। आप पिछली वीडियो में अगर देखेंगे तो ये शायद आपको नहीं मिलेगी, ये भी नई है यहाँ पर। तो चार पांच तरह के जो झूले हैं वो नए हैं, और काफ़ी एरिया थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, और बच्चों के लिए तो खैर वैरायटी ही वैरायटी है, उसका तो खैर हम कुछ कह ही नहीं सकते। और आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में है, और इसी के राइट साइड में अगर देखें तो ये वाली झूला है। देख कर आइए, माताएं बहनों को दिखाइए, पूरी फैमिली की साथ देखिए। और दोस्तों अब मैं दिखाता हूं आपको एक ऐसी चीज जो आपने थंबनेल में देखी थी कि 100 रुपये दे करके हम 1000 रुपये कैसे कमा सकते हैं मेले में। तो ये है वो चीज़ की एक रॉड लगी है, ये वाली आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे हमें 2 मिनट के लिए लटकना है, और 2 मिनट लटकेंगे तो हमें ये 1000 रुपये देंगे। और ये कुछ बैरिंग लगे हुए हैं साइड में, ऊपर से कुछ प्लास्टिक इस पर है, जैसी बसेस में आपने देखी होगी पकड़ने के लिए। आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, 2 मिनट हम लटक सकते हैं 100 रुपये दे के, लेकिन आप ये सोचिए कि 100 रुपये दे के 1000 रुपये मतलब दे रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें लोचा हो सकता है। तो वो कोई प्रैक्टिकली कोई करेगा तो हम एक बार देखते हैं, ये किसी ने शुरुआत कर दी है तो देखते हैं कितनी देर ये टिक पाते हैं। ये लोगों की जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये पूरी भीड़ इसी को देख रहे हैं कि भाई ये कितनी देर टिक पाता है, अगर हो सकता है ये कर दे तो शायद हम भी कर दें, क्योंकि दूसरे को देख के थोड़ा जोश आता है। तो अभी देखते हैं हम भी कि कितनी देर टिक पाते हैं, ये मोबाइल में ये टाइम देखते रहते हैं इसका, और 30 सेकेंड से ऊपर इनका टाइम हो चुका है, और देखते हैं कितनी देर टिक पाते हैं। ये 40 सेकंड हो चुके हैं, दोस्तों एक को देख के कहते हैं ना दूसरे को जोश आता है, तो ये दूसरे ने भी ट्राई किया है, तो इनको देखते हैं ये कितनी देर टिक पाते हैं। और अब की बार हम घड़ी भी दिखाएंगे, ये देखिए आप सामने 2 मिनट का टाइम है भाई, बताना जरूरी है। दोस्तों हमने 2 लोगों को देखा, लेकिन 50 सेकंड से ज्यादा वो नहीं टिक पाए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप यहाँ आके जरूर ट्राई करें। जल्दी कीजिए, जल्दी 50 का निकल है सारी। दोस्तों हमने मेले में काफी चीजों को एक्सप्लोर किया है, जैसा आप सामने देख सकते हैं, कुछ ऐसी भी थी, झूले भी थे। तो अब चलते हैं हम थोड़ा बाहर की तरफ जहाँ पर मौत का कुआं है। दोस्तों काफी चीजों को देखा है, अब हम यहाँ बाहर की तरफ पहुँच गए हैं। अब यहाँ बाहर से अगर हम व्यू देखें तो दिखाई देगा, और शाम को काफी भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, तो कुछ ऐसे भी आइटम आपको मिलेंगे जो थोड़े फनी होंगे। दोस्तों पूरा मेला हमने घूम लिया है, और आप सामने देख सकते हैं पुलिस की जिप्सी आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर किसी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब टाइम हो गया यहाँ से चलने का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये मेला आपको कैसा लगा। 2021 वाला बेटर था या ये, वैसे इसमें ऑप्शंस कुछ ज़्यादा थे। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।